IBN 7 हौसला है। यहाँ पे एक वाइट कलर का कुर्ता पहने हुए एक इंसान है, उनके बाजू में नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिसने क्रीम कलर का कोट पहना हुआ। वंडर गर्ल श्लोका 9 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची प्लेन पेपर है, उसके ऊपर मेरा भारत महान लिखा हुआ है। लेकिन इस बच्ची की अद्भुत प्रतिभा लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देती है। इस बच्ची की क्षमता हैरत अंगेज है। आईबीएन 7 पर आप लगातार देख रहे हैं वंडर गर्ल श्लोका को। वो आंखें बंद कर पढ़ सकती है, रंग पहचान सकती है। ये रेड कलर की स्केच पेन है। श्लोका की क्षमताएं अद्भुत है। ये ग्रीन कलर की स्केच पेन है। ये पिंक कलर की स्केच पेन है। गुरुवार को पहली बार जब श्लोका उज्जैन से आईबीएन 7 के दर्शकों से रूबरू हुई तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। गवर्नमेंट में प्रिवेंटिव लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एसएम। दुनिया दंग रह गई। शुक्रवार को श्लोका पहुंची दिल्ली। एक लड़की है ये श्लोका एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। इस लड़की को आंखें बंद करके ये कुछ भी पढ़ सकती है। आप कुछ जहां आईबीएन 7 की टीम के साथ वो इंडिया गेट पर दिल्ली वालों के बीच पहुंची, लोग हैरान थे। 9 साल की छोटी सी बच्ची उन्हें हैरत अंगेज कारनामे दिखा रही थी। पूरा वाइट कलर का बैकग्राउंड है और यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा है और यहाँ पे ग्रे कलर का लीफ बना हुआ। लोग सवाल पूछ रहे थे लेकिन ये छोटी सी बच्ची आत्मविश्वास के साथ बंद आंखों से उन्हें जवाब दे रही थी। भारतीय है। सिर्फ श्लोका ही नहीं, उस जैसे और भी बच्चे हैं। जोर से बोलो बेटा। सूरत के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इस श्लोका जैसे ही बंद आंखों से पढ़ लेते हैं सब कुछ। शुक्रवार को आईबीएन 7 के स्टूडियो में श्लोका का हुआ रियलिटी टेस्ट। श्लोका ने देश के डॉक्टर एस के सक्सेना, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के सवालों का किया सामना। कलर्स के छोटे छोटे डॉट्स हैं और रेड कलर के भी बड़े बड़े डॉट्स हैं। यहाँ पे रेड और वाइट कलर की स्ट्रिप्स मींस ऐसी स्ट्रिप्स बनी हुई है। ये पहाड़ का भी वैसा ही है और यहाँ पे टेबल आ जाए। तालियां, वेरी गुड। पहले तालियां। आपको एक पन्ना देता हूँ, इस पे कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए। इस श्लोका ने आईबीएन 7 के स्टूडियो में हर परीक्षा पास की। श्लोका आपने स्पेलिंग, जिसने भी सवाल पूछा, जिसने भी जवाब देखा, सबने कहा इस श्लोका है वंडर गर्ल। और आज इस श्लोका देगी 20 बच्चों के सवालों का जवाब। देखिए वंडर गर्ल श्लोका लाइव। एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ मेरे पास में श्लोका बैठी है, जो करती है वो देखकर बड़े बड़े ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। नवजोत आप बताइए सम्यक क्या कर सकते हैं? मेरे साथ सम्यक बैठे हैं, सॉरी बेबी, और सम्यक ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं कि आप यकीन मानिए दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और आज वाकई मजा आने वाला है ना सम्यक? कैसे मजा आएगा ना, क्या क्या करके दिखाओगे? सब कुछ रेडी। चैलेंज दे दें श्लोका को। ओके हाँ, चलो जाओ पहले शेक हैंड करके आओ। एक मिनट, तो सम्यक और श्लोका आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड स्टैंडर्ड में। और आप? फोर्थ स्टैंडर्ड में। ठीक है, बैठ जाओ। एक एक करके पहले ये समझते हैं कि सम्यक क्या कर सकते हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ आए हुए हैं ये क्लास 1 से लेके
क्लास 9 तक के बच्चे हैं और पहले आप बताइए सम्यक क्या क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकता हूँ मैं तो। सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे ये समझने की कोशिश है कि क्या आप कर सकते हो और इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, और जो और बच्चे यहाँ पे और साथ में बहुत सारे आपको इंडिया में अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, वो भी क्या आपसे कुछ सीख सकते हैं, आपने कैसे सीखा? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि जब आप पहले दिन क्लास में गए थे थोड़ा सा डर लग रहा था या मम्मा पापा पे गुस्सा आ रहा था कि कहाँ भेज दिया पापा मम्मा ने मुझे? जब मैं गया मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जब गया पता चला वो सब मस्ती कराते पूरा दिन। हाँ? कैसे मस्ती होती है, हम लोग भी सीखेंगे, हम सीख सकते हैं। 5 से 15 साल। अरे गॉश, पर मेरी 16 साल उम्र है, 1 साल चलेगा नहीं? मेरी बहन 17 साल की नहीं सीख पाई, आप क्या सीखो? ठीक है समय, आप वैसे भी मेरी टीम में हो, कोई बात नहीं, आज तो मेरी टीम जीतने वाली है। हालांकि नवजोत आपने झूठी उम्र बताई फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अब आप बताएं कि ये क्या कर सकते हैं। समय खुद ही बताएंगे, पहले मैं पूछूं तो पहले दिन जब गए वहां मस्ती में ऐसी क्या चीज सिखा दी उन लोगों ने? वो तो पहले मस्ती कराते हैं, ओके, उसके बाद खाना देते हैं, उसके बाद वो मेडिटेशन कराते हैं, कुछ साउंड वेव देते हैं जिससे एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो समय ऐसा है कि ये जो सारे बच्चे पीछे बैठे ना, आप इधर आओ पहले, सब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि समय में ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है। तो मैं आप सबको एक छोटा सा समय का एक छोटा सा टैलेंट हम आपको दिखाते हैं, ऑफकोर्स हम सारे दर्शकों को भी ये दिखाएंगे। समय की आंखों पर हम पट्टी बांधेंगे और समय उधर देखो बेबी, और उसके बाद हाँ ये देखिए समय की आंखों पर हमने पट्टी बांधी, ये वही पट्टी है जिस जो मैंने बांधी थी। आकाश कुछ दिखता और नहीं, आपको कुछ दिखता नहीं, नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखा था और समय को भी कुछ नहीं दिखा। ओके फाइन, नीचे से इधर से भी ऐसे आंख करके नहीं, ऐसे हम ऊपर करने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम चीटिंग नहीं करते, प्लीज आप अपनी टीम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके श्लोका, क्या करवाया जाए इससे? इससे ड्राइंग, ड्राइंग कराई जाए। ओके सम्यक, अब ऐसा है कि बेटा आपके पास ये है एक शीट और हम चाहते हैं कि पहले आप ये बताओ कि इसमें बना क्या क्या हुआ है। उससे पहले एक मिनट, उससे पहले मैं चाहूंगी कि सभी लोग आप देख लीजिए किस शीट में क्या बना है, मैं बोलूंगी तो नहीं, समय मुझे पता है क्या बना हुआ है, बेल्ट बनी हुई है, और उसके रिबन, और सोचो देखिए इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आगे और क्या बना हुआ है, ये तीन और उनकी। ओके मैं ये चाहती हूँ कि इसमें जो बो बनी है उसमें आप कौन सा कलर करवाएं श्लोका? रेड कलर करवाया जाए। बिना देखे सम्यक ने रेड कलर निकाला है। एक मिनट, ये कैमरे पे क्लियर दिख पाए समय, थोड़ा सा मूव कीजिए, इधर आइए, इधर आइए। मैंने जब बो की बात की आपने देखा, बिना देखे रेड कलर उठाया और उस बो पर समय रेड कलर कर रहे हैं, और ये थोड़ा भी कलर बाहर नहीं निकल रहा है, कैमरे से पता नहीं कितना कैच हो पा रहा है। अच्छा, मेरी कल समय के पेरेंट्स से बात हो रही थी आकाश, साथ ही साथ मैं बच्चों को भी आप सबको ये बताना चाह रही हूँ, इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि समय की जो ड्राइंग थी ना वो पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद इतनी प्रैक्टिस इन्होंने की कि अब इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी हो गई है, तो क्लैप करें एक बार इनके लिए। एक मिनट रुकिए, समय ने जो कलर किया मैं दिखा दूं, समय ये देखिए ये कलर इन्होंने किया है, सारा अंदर ही हुआ है इसके, और साथ में अब इसको यहां रखते हैं। नवजोत आप बताइए, अभी समय कलर कर रहा है और बहुत अच्छा कलर कर रहा है। ओके समय, तो आप सबको यकीन हो रहा है ना ये? हाँ। आपको पता है ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और आपके पास भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप इनसे कर सकते हैं। ओके आप समय ड्राइंग कीजिए, मैं साथ ही साथ कुछ बच्चों से बात भी कर लेती हूँ। आपके पास अगर ये टेक्निक आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? मुझे तो काफी फायदा होगा इससे, मैं काफी बड़ा हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, तो इसका मतलब आप नहीं सीख सकते, एज चली गई, ओ मिस कर दिया, क्या ये उम्र का क्या चक्कर? नहीं नहीं, उम्र का चक्कर है, 5 से 15 तक एज है। अच्छा ये तो सम्यक की बात हुई ना। श्लोका आपने जो ट्रेनिंग ली है वो भी 5 साल से 15 साल तक के बच्चे ही सीख सकते, और कोई नहीं? हाँ, बाद में नहीं सीख सकते? नहीं।
ओके अच्छा आप बताएं अगर ये टेक्निक आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो आपकी मम्मा बहुत खुश होंगी कि मेरी बेबी इतनी टैलेंटेड हो गई ना, तो उसके बाद क्या करोगे? क्लास की मॉनिटर बन जाओगे? ये तो मैजिक शोज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करोगे? मैं पता नहीं आकाश, ये एक वजह ये भी है कि बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। नहीं अभी समय सेटल डाउन हो रहे हैं सारे बच्चे। थोड़ा सा डर रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं ना। आपको ये टेक्निक आ जाए तो क्या करोगे सबसे पहले? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बाबा रे, क्या कर सकते हो? किसी को भी टेक्निक दिखा सकती हूँ। सिखाओगे किसी को? दिखा सकती हूँ। अच्छा दिखाओगे, तो दिखा के फिर सब लोग कहेंगे कि हमें भी सिखाओ, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल, तो आप वहीं पे भेज देना जो आपको सिखाएंगे, ठीक है? आप बताएं आपके पास ये टेक्निक आए तो क्या करेंगे? पढ़ाई करना इजी हो जाएगा। हाँ तो या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ पढ़ाई करूंगा मैं, पढ़ाई में काफी हेल्पफुल हो जाएगी। चलिए अच्छा एक मिनट, एक चीज समय आप थोड़ी देर के लिए बस इसको करना बंद कर देना। कलर आपने जितना कलर किया मुझे ये जादू जैसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा भी कलर कहीं बाहर नहीं निकला है, जबकि आपके आंख पे पट्टी बंधी हुई है। आपने एक बार ये देखिए, आपने एक बार इस तरह से कलर करना सीख लिया, इस तरह से आपने आंख पे पट्टी बांध करके भी बहुत कुछ देखना सीख लिया। कोई और भी फायदा आपको हुआ पढ़ाई में या किसी और चीज में? हाँ। कैसे? मेरी मेमोरी बहुत इंक्रीज हुई है। मेमोरी बढ़ गई आपको, ज्यादा चीजें याद रहती है? मैं कॉन्सेंट्रेट और फोकस लेवल बहुत बढ़ गया है। अच्छा और इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करते हो आप? हमें एक बुक दी गई, उसमें आंखों की एक्सरसाइज है और उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है, उसके बाद हम वो करते हैं और एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। ओके सम्यक, अब मैं चाह रही हूँ कि बेल में आप इनमें से ब्लैक कलर कीजिए। ओके मेरे हाथ में जो कलर्स है ना उसमें से ब्लैक कलर उठाइए और उसमें से कीजिए। ब्लैक कलर है नहीं। ओके अच्छा चलो ब्लू कर दो फिर। इसमें सिर्फ रेड जैसे कलर है, पिंक रेड ऑरेंज। क्लैप होनी चाहिए, बस क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। इसमें सिर्फ ये तीन कलर है, ना तो इसमें ब्लैक है ना इसमें ब्लू है, और ये समक ने पहचान लिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ये एक बाकायदा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके छोटे छोटे बच्चे न केवल अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं बल्कि जो ओवरऑल स्टडीज है उनकी और उनकी पर्सनैलिटी उसका भी बेहतरीन डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो श्लोका के पास भी चलेंगे और समझेंगे कि उन्होंने ये टेक्निक सीखी कैसे। ब्रेक के पहले आपने देखा सम्यक क्या कर सकते हैं, अब आइए देखते हैं कि श्लोका क्या कर सकती है। श्लोका आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं मैं। हाँ। आपके आंख पर जो पट्टी बंधी है ये जब पहले बंधी थी नवजोत की आंखों पे तो इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, ठीक है? अब मुझे बताइए ये कितने रुपए का नोट है? आकाश सोच समझ के रखना है, जितने पहचान लिए उधर चले जाएंगे, इसलिए मैंने 20 रुपए का नोट। आकाश सर के लिए क्लैप होनी चाहिए। ये लो ये बताओ कितने का है। श्लोका अगर आपने बता दिया तो आकाश सर आपको ये दे देंगे 1000 रुपए की। अरे वाह ये मेरी, ये आपका। चलो एक मिनट अब आप आओ यहाँ आओ। अब आप कुछ पूछना चाहते हो उनसे? पूछो। अभी अपनी जेब में रख, रुको उसको 1000 रुपए जेब में रखने दो। हाँ श्लोका टाइम क्या हो रहा है? ये लो मेरी वॉच। लाइट की है? हाँ एक मिनट। ओके 8:20। आकाश आकाश इधर से भी क्वेश्चन है एक इनका। श्लोका जो आपने ओरिजिनली शुरू करा था ये सब, हाँ? तो आपको कितनी डिफिकल्टी हुई थी? वो तो पहले एंजॉय ही करवाते हैं, जैसे सम्यक ने बोला वैसे एंजॉयमेंट करवाते हैं, फिर जैसे उसने बोला वैसा करवाते हैं, इसलिए मजा आती है।
तो मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हो? नहीं, थोड़ा बहुत लगा लेकिन फिर अच्छा लगा, बहुत मजा। अब हाँ, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। श्लोका सीखने में टाइम कितना लगता है ये एक्टिवेट करने में? 3 days। तीन दिन में हाँ। बस शुरू हो जाता है, आंख से आप देख सकते हो। एक बात बताओ, अभी हाँ। जब आपकी आंख पे ये पट्टी बंधी हुई है और आपको, मान लीजिए मैं एक कार्ड देता हूँ। हाँ। ये तो बहुत, रुको, आपके पास बुक है? कुछ पूछना चाहते हो आप इसमें से इनसे? ये रुको, इस कार्ड से पूछो आप, ये दिखाओ इनको और पूछो इस पर क्या लिखा है। यहाँ पे दिस इज एन बर्थडे कार्ड, बर्थडे इज लिखा हुआ है, आर अ ग्रेट टाइम टू हैव लॉट्स ऑफ फन एंड टू से हम एक बार कैमरा पे दिखा देते हैं। श्लोका एक बार जरा दिखा दिया जाए इधर कि क्या लिखा था इस पे। जब श्लोका ने ये पढ़ा, बर्थडे ऊपर लिखा हुआ था, फ्लावर्स उन्होंने बताए थे और ये सारी चीजें। और जब उसको खोल दोगे तो क्या क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही पकड़ो, यहाँ पे टी रेड कलर से लिखा हुआ, ये थैंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एच ग्रीन और ब्लू मिक्स कलर से लिखा हुआ, यहाँ पे ए पिंक कलर से लिखा हुआ, यहाँ पे एन ब्लू कलर से लिखा हुआ, यहाँ पे के ग्रीन कलर से लिखा हुआ, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। अरे ये तो कमाल, नवजो दिखाइए कार्ड। बिल्कुल, ये कार्ड आप देखिए, टी पिंक कलर से लिखा हुआ है, एच इन्होंने हल्का ग्रीन बोला विच इज ब्लू ग्रीन मिक्स है, और उसके बाद जो जो इन्होंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा हाँ एक और चीज बताइए। हाँ? कि ये जो आप सब चीजें देख रहे हो, बता रहे हो, आपको आंख से तो दिख नहीं रहा, पट्टी बंधी हुई है। हाँ, तो आप जब हाथ ऐसे ऐसे करते हो फिर उसके बाद आप उसको स्मेल करते हो। हाँ? तो क्या आपको कैसे दिखता है कि क्या है, क्या समझ में आता है? मैं जैसे ही स्मेल करती हूँ, मैं जहाँ पे भी स्मेल करती हूँ उसका पोस्टर मुझे माइंड में छप जाता है। ओके, तो आपको आंख बंद है लेकिन आंख के सामने कुछ इस तरह से नजर आता है। हाँ। Okay. और ये अगर एक और चीज जो श्लोका ने हमें बताई थी कि अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो श्लोका पहचान नहीं पाएगी, है ना श्लोका? हाँ। हाँ, अगर रूम में घुप अंधेरा है तो फिर वो श्लोका कुछ नहीं देख सकते। समय का आप देख पाते हो? अगर एकदम अंधेरा अंधेरा है और पट्टी बंधी हुई है आंख पे, और आपको मैं कहूँ उस कार्ड पे क्या लिखा है, बता पाओगे? मैं बहुत थोड़ी सी लाइट में देख सकता हूँ, बहुत थोड़ी सी लाइट में। लेकिन एकदम अंधेरा है, हमें बहुत जल्दी से ब्रेक लेना है, जल्दी से। बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये क्या है। ये मुझे फॉरेन का नोट लग रहा है। और कलर बताइए कौन सा है? ये ग्रे और व्हाइट। हाँ? अच्छा, नंबर लिखा है कोई? हाँ लिखा है। क्या लिखा है? BJ0625। ओह माय गॉड, 115। आप ये देख सकते हैं, सॉरी, ये बिल्कुल वही है, BJ0625115। ये नंबर हमें समयक ने बताया। हाँ, ये बिल्कुल, ये नवजोत ने ये नोट दिया था जब मेरे 1000 रुपए थे, तो बोले ये प्राइस है, वो मेरे 1000 रुपए इनको दे दिए। और ये नवजोत का नोट देखिएगा जो अभी अभी आइडेंटिफाई किया। देखिए दीदी, लॉटरी ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद ये लीजिए। दीदी आई कैन ओपन इट? हाँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंडर किड्स का कमाल हम आपको दिखा रहे हैं, श्लोका और समय दोनों हमारे साथ हैं। एंजॉय कर रहे हो बच्चों? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बच्चों एंजॉय कर रहे हो? नवजोत मैडम की क्लास। देखिए बड़े बच्चे ने अभी तक नहीं बताया एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। बहुत मजा रहे, बहुत मजा आ रहा है। मुझे क्लैप की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके, आप कुछ कह रही थी? कोई नहीं, दो कैसा लगा, मजा आ रहा है? हाँ। क्या चीज अच्छी लग रही है? अच्छा आप आगे आ जाइए, पहले इतनी प्यारी ड्रेस पहन के
आप वहाँ पे खड़ी हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आप आगे आ जाएं। बताओ मजा आ रहा है? हाँ, तो कुछ पूछना है, कुछ बताना है आपको इनके लिए? मुझे एक गाना गाना है। गाना गाना है, वेरी गुड। क्या करोगे? आप दोनों को डेडिकेट करेंगे। आप अपना नाम बताइए। नताल्या। नताल्या, कौन सी क्लास में आप? फोर्थ। फोर्थ में, चलिए ओके। मुझको हीरा दे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को सबके तैमाने दे, अपने करम की करदाई घर भी तू निभाई, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही। बहुत अच्छी आवाज है, ये भी एक टैलेंट है। हाँ। और इस टैलेंट के लिए क्लैप होनी चाहिए अलग से। और जितना फन यहाँ पर, आप सबको यहाँ पर मजा आ रहा है, और आप आ जाए अपनी जगह पे, यहाँ भी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। तो जितना मजा आ रहा है आपको सबको यहाँ पे, मैं ये चाहूंगा कि हम ये जो दो घंटे यहाँ गुजार रहे हैं, आप कुछ सीख कर जाए इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों के रैंक्स बेटर हो गए हैं क्लास में, दोनों की पढ़ाई बेटर हो गई है, इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब जो उन्होंने सीखा है। उसके बाद में आपसे ये बच्चे खुद सवाल पूछेंगे। श्लोका, आपके पास सवाल आ रहा है, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अनिंदा है। कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हो श्लोका से? भूल गए? होता है, मैं भी कई बार कैमरे के सामने खड़ा होता हूँ ना, कुछ सवाल पूछना तो भूल जाता एकदम से, सोचता वापस लौटूंगा। आप पूछना चाह रहे थे, आपका नाम? मेरा नाम भद्रा है। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या शुद्ध हिंदी बोली है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम के पहले बोला कि इंग्लिश नहीं बोलना, हिंदी बोलना, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि हाँ, आपको याद है आपका क्वेश्चन? आकाश, मुझे लग रहा है जब तक बच्चे सोच रहे हैं कि आपने कौन सी ईयर में ये सीखा, लाइक हाउ मेनी इयर्स फॉर यू? हाँ, आपकी उम्र कितनी थी जब आपने सीखा? मेरी उम्र आई एम इन फोर्थ ओनली व्हेन आई हैव स्टडीड दैट, तब 6 महीने पहले ही मैंने ये सीखा। और 6 महीने में आपने क्या रोज कुछ आप ध्यान लगाते हो या कुछ म्यूजिक सुनते हो, क्या होता है? वो हमको एक्टिविटी दी होती है, वो करती हूँ, और उन्होंने जो म्यूजिक जो दिया है वो करती हूँ। अच्छा, आप में से कोई और पूछना? एक मिनट। अच्छा, हाँ। तो आप रात को म्यूजिक लगाते हो और सो जाते हो? और सो जाते हो, और म्यूजिक 3 घंटे आप अपने आप चलता रहता है, उससे आप हाँ। सो रहे होते हो? हाँ। लेकिन उससे मदद मिलती है आपको ये आंख बंद करके भी देखने में? हाँ। ओके। अगर 5 और 15 इयर्स के बिटवीन में जो बच्चे सीखना चाहे वो भी 6 महीने में ही सीखेंगे क्या? नहीं, वो 3 दिनों में ही सीख जाएंगे। 3 दिनों में मैं सीख गई थी और 6 महीने की प्रैक्टिस हो गई। बिल्कुल। और ये सबको यहाँ एक बात और बता दें, श्लोका ने अभी फर्स्ट स्टेज किया है और ये आगे एडवांस भी कर चुके हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन था इनका कि वो सूम के करे। आप क्वेश्चन पूछे पहले अपना। जब श्लोका करती है तो वह सूम के और रब करके हाथ पे रब करती है, पर जब समय करता है तो सूंघता नहीं है और रब भी नहीं करता। तो जवाब सम्यक से ही। सम्यक बताइए, ऐसा क्यों? पहले मैं भी सूंघ के करता था। ठीक है, आपने तो सीखा था तब कितने टाइम पहले सीखा? मैंने 3 महीने पहले। 3 महीने पहले सीखा? हाँ। अच्छा, फिर जब मैंने सीखा नया तो फिर मैं सूंघ के करता था, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्टिवेट होता गया तो फिर मुझे सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे वाह,
तो आपने कितने कोर्सेज किए हैं अभी तक? अभी जैसे श्लोका ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन का कोर्स किया, आपने कितने दिन का किया? मेरा 3 महीने का हो गया। 3 महीने का हो गया, तो आपने 3 दिन किया, फिर उसके बाद रुक गए, फिर वापस से किया, ऐसा हुआ रुक रुक के? नहीं, 2 दिन 8-8 घंटे सैटरडे संडे। हाँ, उसके बाद वो एक डे दे देते हैं, उस दिन हमेशा शाम को 2 घंटे। 2 घंटे तो ऐसे आपने 3 मंथ्स के लिए किया, यानी वन डे इन अ वीक, एक दिन हफ्ते का। ओके, अब इधर से बहुत बच्चों के क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे थे। जब आपने पहली बार ये सीखा तो आपने पहली बार क्या किया? सबसे पहले क्या किया श्लोका? सबसे पहले मैंने जो टॉयज होते हैं उसको ऐसे रब करके सूंघ के पहचानने की कोशिश की, फिर अगर जो बॉल हो तो उसमें 2 स्ट्रिप्स बनी हो तो वैसे मैं पहचानती थी। अच्छा श्लोका, मेरा एक क्वेश्चन है, आपको कितना मजा आया होगा ना, आपने मम्मी को दिखाया होगा कि मैं आपको एक चमत्कार जादू करके दिखाती हूँ, मजा आया होगा ना? हालांकि आपने बहुत प्रैक्टिस की है इसके लिए, तो सबसे पहले जब आपने मम्मा पापा को दिखाया तो उनका रिएक्शन क्या था? हमारा भी रिएक्शन था। एक मिनट, पर उनको क्या ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से कहीं से दिख रहा है? हाँ, पापा को ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने एक जो मेरा जो टॉय था उसके ऊपर बहुत सारा परफ्यूम लगा दिया और फिर मुझे स्मेल करवाया। और आपको कैसा लगा था जब सबसे पहले आपने करके दिखाया मम्मा पापा को, क्या रिएक्शन था? वाओ। और आपको कैसा लगा आज? लेकिन नवजोत, एक चीज, आप कोई एक्सरसाइज भी करते हो? हाँ, बहुत सारी दी है। कोई एक छोटी सी उंगलियों वाली एक्सरसाइज दिखाओ। हाँ, पहले थर्ड और सब लोग ध्यान से देखना, ये आपको भी करना है अभी एक्सरसाइज। फर्स्ट और थर्ड फिंगर लो और फिर सेकंड और थर्ड फिंगर लो और फर्स्ट और सेकंड फिंगर लो, फिर इसको अल्टरनेट ऐसे चेंज करो। ये आसान नहीं है जो आप बोल रहे हो, ये तो आप बड़े आराम से कर रहे हो, क्योंकि आकाश? जब यहाँ से यूं करो तो सारी खुल जाती है या गड़बड़ खुल जाती है। तो समझ में आई, ये एक्सरसाइज है, कोई कर पा रहा है? ये जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, आप करते रहो, कैसे कर रहे थे? इधर की 2 उंगलियां खुली है ना, और इधर की ये दो खुली, उसके बाद ये 2 खोल दी और ये 2। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से राइट और लेफ्ट ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता हो, करके दिखाओ। कमाल है, वंडरफुल। ओके समय, आप कोई एक्सरसाइज दिखाना चाहेंगे हमें? मुश्किल वाली, आसान वाली? क्या? अभी तो बेटा आसान वाली दिखाओ, कह रहे मुश्किल वाली आसान वाली, हम कहाँ मुश्किल वाली कर सकते हैं, आप आसान वाली दिखाओ ना प्लीज। वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अब मैं क्या करूँ, थोड़ी सी होगी, पक्का ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, चलो। पहले आप धीरे धीरे करना, फिर मैं तेज कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके। और मेरे साथ सब लोग करेंगे? ठीक है। अरे तो अपने आप को जहाँ पड़वाने वाला, ये आप लोग ऐसे से कर रहे हैं? अरे टच कर रहा हूँ जोर जोर से। कैसे करना क्या है? 1 2 2 अच्छा, नोज और ईयर। 1 2 2 3 4 इट्स वेरी टफ। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो हम ये सीखेंगे। एक बार आपको समझ में आया किसी को, एक्सरसाइज समझ में आई किसी को? किसी को समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? ओके, कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछना इधर से? यार लेकिन नवजोत, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तांत्रिक जो प्राचीन काल में एक्सरसाइजेस करते थे वो ऐसी होती थी कि ध्यान लगाते थे एक सेंटर पॉइंट पे और बहुत सारे ट्रायंगल्स बने होते थे, और जब आप उसमें एक पॉइंट पे ध्यान लगाते हो तो आपका ध्यान कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उस तरफ तभी होता था कि आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन कोऑर्डिनेट हो रहा है, उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी कोशिश वही है। आकाश, आपने एक और चीज देखी, श्लोका और समय दोनों ने हमें शुरुआत में एक चीज दिखाई थी कि हमने जब इनसे पूछा कि आप जब पहले दिन गए तो आपको कैसा लगा, इन्होंने कहा हमने तो वहां एंजॉय किया, हम खेल रहे थे। हाँ। तो ये गेम्स में खेलते खेलते बच्चों के माइंड को उसकी एक्सरसाइज कराने की कोशिश होती है मेरे ख्याल। हाँ। खेल खेल में सब कुछ, खेल खेल में सब कुछ होता है, मजा आ रहा है? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? इधर से। जब आपको आपकी टीचर ने पहले बताया कि ये एक्सरसाइज करनी है तो मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या था? Okay. आपको कैसा लगा जब आपके टीचर ने आपको बताया कि ऐसा एक्सरसाइज करनी है? एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। ओके। सामने कैमरा पे करके दिखाओ कैसा था। अब जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, सम्यक यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज।
ऐसे नहीं बोला था फिर अच्छा कैसे बोला था चलो आज हम आपको ये एक्सरसाइज कराते हैं ओके ऐसे मैं बोलूं हाँ चलो आज हम आपको ये एक्सरसाइज कराते हैं ओके ओके उधर से कोई क्वेश्चन है अच्छा आप सवाल पूछना चाह रहे हैं आपका नाम बताओ पहले अनुष्का 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 हाँ और आप कौन सी क्लास में हो थर्ड थर्ड और क्या पूछना चाहो किससे आपका सवाल सम्यक से है या श्लोका से श्लोका रब करके और स्मेल करके कैसे जान लेती है वो एक मिनट मैं ही पूछता हूँ मुझे भी नहीं मालूम ना श्लोका जब आप अगर ऐसे रब ना करो उसको और स्मेल ना करो तो कोई मेंटल पिक्चर नहीं बनती है नहीं बनती करते हो तो क्या होता है करते हो तो मैं जिस जगह पे रब करके स्मेल करती हूँ उस जगह पे जहाँ अगर वहाँ पे ए लिखा होता है तो मेरे माइंड में जैसे लिखा होता है वैसे छप जाता है आपको भी ऐसे होता है आपको कैसे होता है मुझे फील होता है इनको फील होता है फील होता है यानी आँख बंद है तो भी कुछ दिखता नहीं है आँख के सामने अब तो ए कैसे फील होता है ए फील कैसे होता है अब उन्होंने कहा ना कि ए छप जाता है आपको मैं थोड़ा सा विजुअल हूँ तो फिर मैं इसे पकड़ता हूँ तो फिर वो लाइट वो ना उठते उठते माइंड में चला जाता है ओके हाँ फिर जो हमें माइंड में दिखता है वो बोलते जाता अच्छा जैसे मैंने तो आपकी आंखों पे पट्टी बांधी थी अगर आप पट्टी नहीं बांधो ऐसी ऑनेस्टली आंखें बंद करो हाँ। तब भी आप बता सकते हो बिल्कुल हाँ अच्छा आंखें बंद करो ओके आप सामने आपको कैमरा पे क्या लग रहा है मुझे बताओ आप सब लोग देख रहे हैं ना बोलेगा कोई कुछ नहीं दिख रहा है ना सबको सामने क्या कौन से अल्फाबेट्स लिखे हैं अल्फाबेट्स लोअर ब्रैंच 3 कमाल है कमाल है इधर से क्वेश्चन किसी का आ रहा था जी कौन पूछना चाह रहे हैं आप आपका नाम बोलो पहले आयुष और क्लास 7th ओके आपके पास भी आ रहा हूं नेक्स्ट आप मेरा क्वेश्चन श्लोका से है आप वर्ड्स तो आइडेंटिफाई कर लेते हो लेकिन उनके कलर कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कैसे होता है क्या मुश्किल होता है ज्यादा कलर आइडेंटिफाई करना या सब कुछ नहीं मैंने जैसे बोला मैं जहाँ पे स्मेल करती हूँ वो कैसे लिखा हो कैसे पूरा जैसे भी हो वैसे ही माइंड में आ जाता है इसलिए अगर जो उसका रेड कलर हो एक रेड कलर हो तो रेड कलर के साथ ही माइंड में छप जाए ओके आपके माइंड में कैसे आते कलर्स आयशा आप सारी बात दोनों की ध्यान से माइंड में जाते हैं कलर्स के साथ आते हैं वो उड़ते उड़ते कलर्स के साथ माइंड में कलर्स आ जाते हैं उड़ते उड़ते ओके ये प्रैक्टिस है आकाश ये तो मुझसे तो नहीं हो सकती इसलिए 15 साल की उम्र के ऊपर तो एक और एक्सरसाइज दिखाऊं अभी अभी बेटा रुको दिखो 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 रुको दिखो जोश आपने ये प्रैक्टिस कर ली बच्चों का जोश है आपने प्रैक्टिस कर ली ये क्या है धीरे 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 पहले धीरे कर लो कर क्या रहे हो 2 जल्दी जल्दी करना ये तो हो जाएगी मेरा वाला ही है आपको भी ये कराते हैं हाँ एक मिनट आप दोनों का फर्क है आपने ट्रेनिंग किस शहर में ली है सूरत में अच्छा और आपने दिल्ली में दिल्ली में ट्रेनिंग ली है ओके आपकी भी 3 दिन की ट्रेनिंग थी 3 महीने तीन महीने तक वो ऐसे बता रहा ना कि आपको 3 दिन लगातार जाना और उसके बाद आप वीकेंड में जा सकते पर शुरू में 3 दिन ही गए ट्रेनिंग लेने के लिए आप पहली जब ये पहली बार करने लगे आपने आपने आंख पे पट्टी बांध के देखना शुरू कर दिया ये आपने कितने दिन बाद किया ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पहले ही दिन हो गया day. और आपने मैंने फर्स्ट दिन से शुरू हो गया था हाँ. मेरा ओके लेकिन अच्छे से आप कैसे 3 दिन लगे पहचानने में सारी चीजें नहीं कलर में फर्स्ट दिन से अच्छे से पहचान लेती थी फिर सेकंड दिन को मैं लेटर्स में कलर और वो पहचान सकती थी और थर्ड दिन में लेटर्स कलर और उसके अंदर जो कलर वो मैं सब पहचान सकती अच्छा नवजोत आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिएगा एक और कुछ जो उनको ब्लाइंडफोल्ड करके कुछ सम्यक करके दिखाएं उससे पहले आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब बच्चे इनसे पूछे जा रहे हैं आप तो इनके लिए कुछ करके नहीं दिखा रहे गाना सुने बहुत टाइम हो गया इसलिए जब तक मैं आयशा के पास जाता हूँ अब आयशा की टर्न है गाना सुनाने की आयशा कोई सॉन्ग इन दोनों को डेडिकेट करना चाहोगे आप ये लो आप कौन सी क्लास में हो 9th ओके आप सुनो ओके आपको समझावा अच्छा लगता है मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जा रे प्यार मेरा मैं करूं इंतजार
बिल्कुल हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा एक सवाल आप पूछना चाह रही थी। हाँ ठीक है। ये जो आपका माइंड एक्टिवेटेड रहता है, अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए एक्टिवेटेड रहेगा? नहीं, वो थोड़ा 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 करके डीएक्टिवेट होने लगेगा, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा एकदम से। और आपका? अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे तो थोड़े दिन तक तो फुल रहेगा। वही प्रैक्टिस जब तक जारी रहेगी। अच्छा यहाँ अभी ना आप स्पॉन्टेनियसली बच्चे कह रहे हैं मुझे एक सवाल पूछना है, पर हमें भी एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले वो एक्सरसाइज करते हुए जाते हैं, वो जो ये वाली ये मुझे आ गई है थोड़ी सी, 1 2 1 अब ब्रेक लीजिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। आकाश तैयार कर रहे हैं समय को, क्योंकि समय का नेक्स्ट टेस्ट शुरू हो रहा है, और समय का आपको पता है अब सारे बच्चे आपसे कुछ कुछ फरमाइश करेंगे कि समय की ये करके दिखा, ये करके दिखा। एक मिनट मैं चेक कर लूं, समय नीचे से नाक में गुदगुदी हो रही है पर दिख तो नहीं रहा कुछ अभी। आप ये बांध दीजिए, अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है कि मुझे, मैं पहन के देख चुका हूं, आप भी पहन के देख चुके हो तो कोई डाउट नहीं है मुझे, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूं, नीचे से जरा सी भी जगह खुली रहनी चाहिए, साथ ही साथ लेकिन नाक पे गुदगुदी भी नहीं होनी चाहिए। आप ही खड़े रहना। और कौन आप टेस्ट लेना चाहते थे? आइए थोड़ा धीरे धीरे करिए। हाँ धीरे धीरे करिए, आप उस साइड से आओ। हाँ अभी आप यहीं पे खड़े रहना, ठीक है? आप इधर आओ और यूं, अब अंदर का कोई पेज खोलो, ठीक है? हाँ पहले आप कैमरे पे दिखा दो कि रुको ये वाला नहीं, चलो ये वाला, ठीक है? ये आप अपने हाथ में होल्ड करो, ठीक है? और अब हम पूछते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। आप सबने देख लिया है कि इस पर क्या है, ठीक है? लेकिन अब पूछते हैं ब्लाइंडफोल्ड करने के बाद में समय बता पाते हैं कि नहीं कि इसमें क्या है। गेट कॉट अप इन द मैजिक। और क्या क्या दिख रहा है? न्यू स्टोरीज एवरी अदर मंथ, 35 बुक्स अवेलेबल नाउ, पायरेट एडविन पीस नीट His old friend Aunt Zelda's help. It seems that King. एक मिनट। इधर कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ क्या लिखा है? किसकी फोटो दिख रही है? कोई लड़की की, पायरेट बनी हुई है। उसकी आँख का कलर क्या है? एक आँख का तो नॉर्मल है, इसमें उसने काला काला लगा रखा है। कमाल है। देखो आप बताओ क्या क्या है जो भी डिस्क्राइब कर ही रहे थे। इसने जो भी बोला है वो सही बोला है, एक लड़की है जो पायरेट की तरह बनी हुई है। हम में से किसी ने आपको कहा था कि कौन सी मैगजीन लानी है? नहीं। हमने किसी को आपको बताया था कौन सा पेज लेना है? नहीं। यानी आपको विश्वास है कि जो कर रहा है वो कमाल का है? हाँ। ओके आइए आइए। तो चलिए आकाश,
आकाश क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है जो कि हम पूछेंगे, लेकिन ब्रेक ले ले पहले। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और बहुत एक्साइटेड है बच्चे, बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। हमारी तरफ से सब वंडर किड्स हैं और सबसे बड़े वंडर किड मेरे साथ यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं आप वो मैगजीन उठाइए बताता हूँ पेज पे क्या है। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आकाश का टेस्ट ले रही हूँ, आपने देख लिया, बताइए क्या है। कहाँ के बुक तो दीजिए हाथ में। अच्छा ये लीजिए बुक। हाँ ये बदल दिया क्या पेज? क्योंकि ये सबरीना हैविंग अ बॉल या लिखा है, ये सबरीना हैविंग अ बॉल, बताइए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? नहीं आपने चीटिंग की, ब्रेक में मैंने देखा था पेज क्या है। खैर दो वंडर किड्स हमारे साथ, पेज बदल दिया, दो वंडर किड्स हमारे साथ है और बहुत सारे और वंडर किड्स हमारे साथ है जो कि बनना चाहते हैं बिल्कुल इनकी तरह। नहीं नवजोत, लेकिन यहाँ पर एक है स्केप्टिक जिनको बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं दिखता तो नहीं इसमें से कुछ, उनको बुलाते हैं, आइए। अच्छा आपका नाम क्या है? अधिप। अधिप कौन सी क्लास में हो आप? 9th। गुड, आई लाइक यू बिकॉज़ आप साइंटिफिक तरीके से सोचते हो। तो ये पट्टी बांध दी जाए इनकी आंखों पे? बिल्कुल इनकी आंखों पे बांध दी। आइए आपको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, ऐसे बैठना। तो ये इनकी आंखों पे मैंने पट्टी बांध दी। एक मिनट रुको रुको, ये नाक के इधर से गुदगुदी ना हो सकता है। अब आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, लाइट्स का हल्का सा एहसास हो रहा है। हां यहां पर हाँ, इतना समझ में आ रहा है ना। अच्छा अभी ये तो लाइट्स दिख रही है, लाइट्स थोड़ी बहुत दिख रही है। कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 10 लाइट्स यहाँ पर, इतना दिख रहा है क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट्स है स्टूडियो की। okay, अब इतना तो आपने बता दिया बिना कोई ट्रेनिंग के। अब ये पेज पे क्या लिखा है? पेज क्या है ये? विनिंग $10,000 नहीं था, ये वो वाला पेज नहीं है। तुमने याद किया था, ये वो वाला पेज नहीं है। विनिंग $10,000 पूरे पेज पे, ना विनिंग है ना डॉलर है ना 10,000 है। तो मतलब अब आपको ये पता चल गया कि इसमें इतना तो विश्वास हुआ कि ये पट्टी असली है, है ना? पट्टी। चलो अब आप बैठ जाओ। अब बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए आकाश आप। बिल्कुल, लेकिन हम पहले दोनों को बुलाते हैं। बिल्कुल आइए। और श्लोका हमारे साथ है, ये मैं यूज करता हूं। हाँ, बिल्कुल। और सम्यक की आंख पे, ये आपका? ओके, सम्यक की आंख पे पट्टी हम बांध देंगे और हम एक एक करके, क्योंकि बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सम्यक टाइट तो नहीं बेटा? पक्का कम्फर्टेबल? कम्फर्टेबल। ओके एक मिनट रुको, अब बच्चों की जो एक्साइटमेंट बढ़ रही है ना, तो सारे बच्चे एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। अंकल थोड़ा टर्न वाइज, वेट टर्न वाइज, नीचे खींच दूं? नहीं 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 नहीं, अभी 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 तो दिख नहीं रहा है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। ओके तो सबसे पहले कौन आएगा? लोग यहां से थोड़ा दिखते हैं। आओ। ओके अभी आपको बुलाते हैं। आपका क्वेश्चन? एक मिनट आप इधर आ जाओ। हां इधर, सम्यक से पहला सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं इसी में से पूछो, ये जो आपके हाथ में। ओके सम्यक, आज किससे क्वेश्चन? सबसे पहले आपका नाम? अनुष्का। और आपका सवाल किससे? श्लोका। श्लोका से? अच्छा एक मिनट, सम्यक से भी पूछना है। पहले एक श्लोका से पूछ लो। श्लोका इसमें क्या लिखा है? कहाँ पे? पीछे और आगे। सम्यक आपकी टर्न आएगी, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे IBN 7 लिखा हुआ है, 7 बड़े हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है। 7 की यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन है, बैकग्राउंड इतने से ही बॉक्स से पूरा रेड है। यहाँ पे सब अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं उसके पिक्चर्स है। यहाँ पे भी हिंदी में लिखा है कुछ। यहाँ पे लिखा है हौसला है। दिखा हुआ बताओ क्या लिखा, सही बताया कि नहीं? मुझे क्लैप की आवाज आ रही है। ऐसे देखो, पहले सबको दिखाओ, सही बताया एकदम। अब रुको, अब आपका सवाल। अब ये बताओ ये पीछे क्या लिखा है?
यहाँ पे थाउजेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे री पो। अच्छा थाउजेंड वाला वापस पढ़ो। 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपोर्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी कुछ छोटा सा लिखा हुआ है, आप समय से पूछ ले, हमने श्लोका का टेस्ट ले लिया। समय इसमें बताओ इन मैम की फोटो यहाँ पे कहाँ पर है? कौन से इन मैम की फोटो? इनकी नवजोत आप हो उसमें? ये बहुत मुश्किल था, ये वाला देखिए, ये सच में बहुत मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था। इतने सारे चेहरों में से एक चेहरा निकालना शायद आपको थोड़ा मुश्किल होगा। ये यहाँ पे मेरी तस्वीर है जो कि सम्यक ने बताया। परफेक्ट। अच्छा रुको, अभी और भी बहुत सारे बच्चे जो सवाल पूछना चाहते हैं, सब बैठ जाओ पहले। छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे, आप नवजोत आप लिखो। आइए आइए आइए, नहीं इनके पास है फिर मैं इनको लेता हूँ। ओके ओके, अब पहले सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। ओके, आपका नाम क्या है? आसिया। कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप में पढ़ती है। आसिया किससे क्वेश्चन पूछना है आपको? सम्यक से पूछना है या श्लोका से? आ जाओ सम्यक से पूछो। हाँ पूछो पूछो, सम्यक की क्या है? मिरर है। मिरर है। कलर्स क्या क्या है सम्यक इस पे? यू देख के बताओ, उधर कैमरा आपका सामने की तरफ, अब बताओ। इसमें ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, ब्लैक, पिंक, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे थोड़ा सा रेड। ठीक है, ऐसे रखो ताकि कैमरे पे भी दिखता रहे, ताकि लोग समझे आप सही बता रहे हो कि नहीं। और बताओ सबसे, ये जो पूंछ है, पूंछ में कलर्स क्या क्या है? पूंछ में ब्लैक, पिंक और ये लाइट लाइट भी लगे हुए हैं, लाइट ब्लू, मस्टर्ड येलो। ये यहाँ कुछ ये कलर्स क्या है बताओ? ये रेड जैसा कोई कलर है, गोल्डन है, ये भी रेड जैसा कुछ कलर है, ये ब्लू है। गुड, बेटा पीछे होने तो आप देख नहीं पाओगे। ओके गुड, परफेक्ट, सही बताया कि नहीं? आकाश एक-एक करके हम बच्चों को बुलाते हैं ताकि सब लोग देख सके। देखो सब बैठिए, सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाओ। हम इधर से शुरू करते हैं, आइए। कैसा लग रहा है समय? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत। श्लोका बहुत बहुत मजा आ रहा है। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन इन दोनों से है। हाँ हाँ प्लीज आओ। जल्दी जल्दी श्लोका ये क्या लिखा हुआ है? मेरी उंगली रख दोगे यहाँ या पूरा पेज पे? उंगली रख के बताओ कहाँ पे? यहाँ बस। अंकल स्पेलिंग बताओ, आप स्पेलिंग बताओ। क्वी जेल स्पेलिंग स्पेलिंग क्यू यू आई जी एल ई वाई एपोस्ट्रोफी एस। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल क्विगलीज दिखाओ उस तरफ पॉइंट करके, अंकल क्विगलीज कॉन्टेस्ट। और बिल्कुल सही सही बताया श्लोका ने। ओके छोड़ दीजिए। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सम्यक से कौन सा सवाल पूछना चाह रही थी? पूछो इसी में से। अच्छा चूज करो, आप पे चूज करो। समय के कौन है, लड़की है लड़का है? लड़की है। लड़की येलो बाल वाली। येलो बाल है, येलो बाल वाली ब्लॉन्ड। अच्छा एक मिनट, ये क्या बना है? क्या यहाँ पर उंगली जहाँ मैंने रखी, ये क्या बना है? ये तो बिल्ला जैसा कुछ। बिल्ला जैसा, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्ला जैसा कुछ ये देखिए।
ठीक है, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। नहीं, इधर से बुलाती हूँ, आइए आप बताइए क्वेश्चन क्या है आपका। पहले आप सब लोग बैठ जाओ, आपकी टर्न भी आएगी। अच्छा, एक एक वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। आप बताओ किससे पूछना है? मुझे श्लोका से पूछना है। श्लोका से क्या क्वेश्चन है आपका? कि ये स्मेल कैसे कर, स्मेल करके कैसे पहचानती है? स्मेल करके कैसे पहचानते हो? किन बच्चों में हियरिंग की सेंस होती है, किन बच्चों में ऐसे ही देख के जैसे सम्यक करता है, विजुअल। हाँ, विजुअल। और मेरे में स्मेलिंग की सेंस है, इसलिए मैं जहाँ पे भी स्मेल करती हूँ मुझे उसका पोस्टर माइंड में छप जाता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्लोका, पहले आपसे फिर सम्यक आपसे। श्लोका, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे जिन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली, और उनमें से क्या सब आपके जितना कर पाते? मेरे क्लास में 40 चिल्ड्रंस थे और उसमें से 30 चिल्ड्रंस ने ट्रेनिंग ली, और उनमें से थोड़े 4-5 बच्चे नहीं कर पाए और बाकी के बच्चे वो कर पाए। समय का, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे और कितने ये कर पाते? क्लास में किसी को इसी के बारे में नहीं पता। किसी को नहीं पता? साथ कितने बच्चे थे कुल जो ट्रेनिंग ले रहे थे? मेरे बस में एक बच्चा जाता है, वो उसने किया था पर उसका इतना अच्छा नहीं हो पाया। यानी ये ट्रेनिंग लेने के बाद क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ। वो प्रैक्टिस अच्छे से करो तो कर सकते हो। हाँ, एक्सरसाइज जो आप नहीं कर पा रहे हो आकाश, ये वाली। क्योंकि मैं 15 की उम्र से थोड़ा सा ज्यादा हूँ। 5 से 15 की अगर आपकी उम्र है तो आप ये सीख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे और भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटे नवजोत। बिल्कुल। और समय का आप ऐसे खड़े ना, सियोना सवाल पूछो। यहाँ पे ऑरेंज कलर कहाँ पे है? ऑरेंज कलर ढूंढ के बताओ हमें कहाँ है। कैमरे के सामने दिखाओ, ये ऑरेंज कलर देखो सियोना, ढूंढ दिया। छोटे छोटे बच्चों के। अच्छा, और एक और एक और एक और पूछो कुछ। सावेद, यहाँ पे ब्लू कलर क्या है तेरा? तुरंत ब्लू। सही बताया सियोना? सही बताया। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अच्छा सियोना, ये आप भी सीखना चाहोगे ये कैसे करते हैं? ठीक है। अच्छा, जब आप सीख लोगे तो उसके बाद आप सबसे क्या काम करोगे? मेरी पढ़ाई की मदद आएगी। हाँ, और उसके बाद IBN 7 पे भी आना, ये जादू दिखाने के लिए। चलिए, हमारे साथ आपका नाम क्या है? रिया। रिया, रिया का क्वेश्चन है ये। मेरी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? घड़ी पे टाइम कितना? 9:25। 9:26 अभी अभी हुआ है, इसके पहले 9:25 पे समय हो रहा था, जिस समय पर सम्यक ने बिल्कुल सही टाइम बताया है। ये आप देख रहे हैं, बीच में बाकायदा एक स्क्रीन है, उसके बावजूद ये देखकर बता पा रहे हैं और ये देख नहीं रहे, फील करके बता रहे हैं कि समय कितना हुआ है, 9:26। आंख पर पूरी पट्टी बंधी हुई है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन जल्दी से एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए, आपका नाम बताइए पहले। शाम्भव तिवारी। शाम्भव, कौन सी क्लास में हो? 9th grade। अच्छा, ये हाथ में क्या लिखा है? हाथ में आकाश, बोलने नहीं हमको, नाम मत बता देना। एक्टर शाहरुख खान है। ओह माय गॉड, अभी हमने क्वेश्चन कैसे देख लिया? और अभी हमने क्वेश्चन पूछा नहीं है और ये लेकर आए थे। अब बताइए क्या रिएक्शन है आपका? How do you do that? इतना फास्ट? आपने बस जब नीचे किया ना तो मैं ऐसे देख रहा था। अच्छा, कलर क्या है? कलर क्या है शर्ट का? कलर रेड, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू है। दिखाओ जरा कैमरे पे शाम्भव। कुछ कहना है आपको इसके बाद? What do I say? It's amazing. It's amazing. आप सीखना चाहोगे? हाँ। अच्छा, आपको पता है कि 14
15 साल की उम्र तक आप सीख सकते हो। वैसे भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इन वन वीक आप आराम से सीख पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। छोटे से ब्रेक के लिए आकाश हमें रुकना होगा, और मेरे पीछे बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, सबका नंबर आएगा। बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वास्तव में हो सकता है, लेकिन बच्चे खुद टेस्ट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसा कमाल सम्यक कर सकते हैं और श्लोका कर सकती हैं। जब लौटेंगे तो बच्चों को ये भी बताएंगे कि ये ट्रेनिंग किस तरह से ले सकते हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, कितनी मुश्किल होती है, एक ब्रेक के बाद। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के बाहर नहीं हो सका मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ प्रदर्शन, केस ऑफ लव को पुलिस ने किया नाकाम, हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी से बाइक सवारों की मौत, हादसे के बाद जमकर बवाल, नाराज लोगों ने फूंक दी गाड़ी। आईबीएन 7 के कैंसर कैंपेन से देखिए कैसे बौखलाया नोएडा प्रशासन, सवाल पूछने गए रिपोर्टर से डीएम की टीम ने धक्का मुक्की की और सवालों के जवाब भी नहीं दिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, वंडर किड्स हमारे साथ हैं, श्लोका हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे नन्हे मुन्ने से खास मेहमान, जो कि जिनको देख के लग रहा है कि बहुत बड़े जादूगर है, लेकिन ये अभ्यास से सम्यक हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम इनके पास आए, गाना सुन लेते हैं हम जल्दी से। जी फटाफट से सुनाइए। मैं इनके लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग गाना चाहता हूँ। आप आगे आइए। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, आयुष उधर देखिए, आप गाना गाइए। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। ओके गाइस, सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है और एक एक करके सब उसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आते हैं इन दोनों पर। नवजोत, बिल्कुल, तो श्लोका को बुलाया जाए, क्योंकि पिछला जो सेगमेंट था वो पूरा हमने सम्यक के साथ खूब अच्छी अच्छी बातें की। अब श्लोका, श्लोका की आंखें आप बंद कर दीजिए। क्वेश्चन श्लोका के लिए किधर से शुरू करेंगे? अच्छा, जो लोग पूछ चुके हैं ना वो नहीं पूछेंगे, आप आइए इधर से, सबको मौका मिलना चाहिए ना, है ना? ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं, मुझे कुछ पूछना। ओके ओके, मैं समझ गई, बताइए। श्लोका, ये क्या है? एक मिनट रुकिए। पहले ना दर्शकों को इस कैमरे पे दिखा दीजिए, इस पे है क्या, तो सबको मालूम है कि इसके अंदर क्या है, और फिर श्लोका से पूछेंगे। ओके, आप पूछिए। श्लोका, ये किसकी फोटो बनी है? यहाँ, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे एक अंकल है, बिग सेक्रेटरी जैसे है, और यहाँ पे जैसे हैं। और यहाँ पे उनकी बच्ची या कुछ भी छोटी सी बच्ची। अरे वाह, क्लैप। अच्छा, और साथ ही अंकल ने क्या पहन रखा है बता सकते हो? हाँ, उन्होंने यहाँ पे जो सेक्रेटरी जैसे बेल्ट जैसा प्रैक्टिस करनी है, ट्रिपल ऐसा होता है वो पहना है, यहाँ पे उन्होंने टाई पहनी है, यहाँ पे उनका शर्ट है ये पूरा, यहाँ पे उनके पैर है जिसमें उन्होंने पैंट पहना है, फुल पैंट पहना है, यहाँ पे उनके शूज है। ये जादू है, जादू, जादू से कम नहीं, जादू नहीं, अभ्यास है ये, हम लगातार बताते चले। प्रैक्टिस आकाश ने नहीं की, वो क्या था, सम्यक ने सिखाया मुझे, ऐसे वाली थी। सम्यक कैसी थी वो एक्सरसाइज? ये आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन इधर से था किसी का, आइए। मेरा क्वेश्चन सम्यक से है। सम्यक से है, तो सम्यक की आंख बंद कर दे फिर। ओके, आप माइक होल्ड कीजिए। ओके, हम सम्यक की आंख बंद कर देते हैं, अब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। दिख रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
सम्यक आपको पता है क्या है? हाँ सम्यक बताएंगे ना अभी। ये तो सोनी का मोबाइल है। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? अच्छा है, ब्लैक कलर का वैसे। ओके इसको लॉक खोल दूँ जरा। मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? आई एम एबल टू रीड दिस बिकॉज माय मिडब्रेन इज एक्टिवेटेड। आई एम ओह माय गॉड। आप लेके कैमरे पे दिखाइए, कैमरे की तरफ दिखाइए। हम कैमरा की तरफ दिखा देते हैं। सब लोग बैठ जाओ, बच्चों सब बैठ जाओ। दीजिए मैं दिखा दूं। एक मिनट रुको। आप ये मैसेज यहां पर वही लिखा हुआ है जो कि सम्यक ने रीड किया और बहुत अच्छे से रीड किया है। आप इस मैसेज को देख सकते हैं, तीन लाइन में ये मैसेज लिखा हुआ है। I am able to read this because my midbrain is activated and I am amazing. ये बात इसमें लिखी है जो कि आप इनके लिए लिख के आए हैं। ये इनके लिए मैसेज था आपका? अच्छा yes. नवजोत ये मुझे पास कीजिए, मैं दो हीरोज को बुलाने वाला हूँ। अरे बाप रे, ठीक है। वो छोटे छोटे से हीरोज हैं। आपका नाम क्या? राघव। कौन सी क्लास में हो आप? सेकेंड सी। इधर आओ, रुको रुको, इधर आओ राघव, इधर खड़े हो, ऐसे करके यूं खड़ा हो। आप बैठो। और आपको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, इधर आना, इधर आना और इधर आना और इधर थोड़ा सा इधर। हाँ अब जरा आपका हाथ इधर रखो, इनकी आंख पर, इधर हाथ ऊपर करो, आंख पे रखो। हाँ गॉगल्स पहने हैं। और गॉगल का कलर क्या है? मैं निकाल दूं? हाँ ये पूरा उनका सिल्वर है ये वाला, और यहाँ से ब्लू कलर का शेड चालू होता है। यहाँ पे एक कार बनी है रेड कलर की, और यहाँ पूरा ब्लू है, यहाँ पे रेड कलर की, यहाँ पे रेड कलर का ऐसा नाक और ऐसा ड्रैगन जैसा बना हुआ है। यहाँ पे उनका उसका ग्रीन कलर का है जिसकी बॉर्डर वाइट कलर की है, और ये पूरा ग्रीन कलर का। आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपकी एक्टिंग में इंटरेस्ट है आपका? हाँ बहुत। क्या क्या करते हो स्कूल में? ड्रामा थिएटर। ओके एक मिनट, अब इनको कैमरे पे फेस करा दो और थोड़ा सा सामने आओ इनके, बस बस यहीं पे रहना, ठीक है? और इधर आओ, और इधर आओ। अच्छा सम्यक थोड़ा सा उधर मूव करो। हाँ अब आप कोई भी किसी भी एक्टर के जैसा एक्शन करो और वैसा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। सम्यक भी वैसा ट्राई करेंगे। अमिताभ बच्चन। अरे वाह। एक मिनट, नीचे दिख तो नहीं रहा है? नहीं 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 दिख रहा है, नीचे से नहीं दिख रहा है, वैसे भी आंखें बंद हो जाती है। आपने ट्राई किया था ना? हाँ वो तो वो बंद ही रहा था। शाहरुख खान। अरे अच्छा एक मिनट, कोई एथलीट कोई याद आता है? ठीक है, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट, वेरी गुड वेरी गुड। नाम नहीं पता था लेकिन वही वो एक्शन करके दिखाया। ओके कुछ और करना चाहेंगे आप एक्शन? कोई और? नहीं नहीं, इसको सब पता चल जाता है। वेट इसको सब पता चल जाता है। I mean I give up। ओह मुझे क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई और? आप आइए उधर से, आइए एक मिनट, रुकिए रुकिए। जिसने सवाल नहीं पूछा, इन्होंने नहीं पूछा, आपने पूछ लिया है। नॉटी बेबी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आप कुछ एक्टिंग करेंगे समय के लिए? ठीक है, सामने समय, उधर उधर देखिए। ओके तो इनको ये भी तो दिखना चाहिए ना? हाँ ये दिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ और? अच्छा समय, मैं कैसे खड़ी हूँ बताओ, मैं कैसे खड़ी हूँ? अब बताओ मैं कैसे खड़ी हूँ? ये कैसे दिख रहे हैं? तो बाजू में खड़ी हैं एकदम। अच्छा आकाश सर कैसे? आकाश सर कैसे खड़े हैं? ओह माय गॉड। ओके इधर से आप आना चाह रहे थे समय के लिए या समय के लिए है क्वेश्चन है? समय अगर मैं आप एक बंदा चूज करूं और उनकी टी शर्ट पे जो लिखा है आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ पाएंगे। अच्छा आप ऊपर क्यों देखते हो?
नहीं वो हाइट थोड़ी ऊपर हाँ, ठीक है, हाइट थोड़ी ऊपर है। ओके करो। आइए इनकी टी शर्ट पे क्या लिखा है ये आपको पढ़ के सुनाना है। पहले आप सामने खड़े हो जाइए, जरा सब लोग देख लें कि आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है। ओके गुड फेम इज बेटर देन अ गुड फेस। आपको पूछना कुछ आइए। एक्साइटमेंट बच्चों की लगातार अब श्लोका बताएंगी। श्लोका बताएंगी। चलिए आइए समय का आप इधर आ जाइए। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। श्लोका आप इधर आ जाओ बेबी, आओ इधर आओ आराम से। वैसे हम इनको आराम से बोल रहे हैं लेकिन आपको पता है कल मैं इनको न्यूज रूम में लेके गई थी और बहुत सारे हर्डल्स थे बीच में और श्लोका उनको भी क्रॉस करती हुई सेफली पहुंच गई थी डेस्टिनेशन तक। हाँ जी क्या आप ये पढ़ सकते हो? क्या आप ये पढ़ सकते हो? और मैं देती हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ दर्शकों को भी दिखाती चलूँ। बहुत बहुत बारीक, बहुत महीन तरीके से लिखा हुआ है, पतला पतला सा, छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। अगर आप इसको देख सकें और अगर मैं भी इसको पढ़ना चाहूँ तो मुझे बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी अलोका श्लोका पढ़ पाती है या नहीं। लीजिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ये नहीं, ये नहीं है, ये लाइन है, ये लाइन है, रेड कलर की है। यहाँ पे रिफिल, आप देखिए ठीक पढ़ रही है नहीं, रिफिल विथ कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक फ्रॉम बेस्ट रिजल्ट्स। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ही ठीक पढ़ा है इन्होंने। अब आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है। रिफिल विद कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक फॉर बेस्ट रिजल्ट। वेरी गुड, आवाज नहीं आ रही मुझे क्या। अच्छा अब हम ये भी सबको बताना चाहेंगे कि ये सीखना चाहें तो कैसे सीख सकता है कोई। एक और क्वेश्चन है किसके लिए? श्लोका के लिए। अच्छा श्लोका का हम साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि वो कैमरा वो मोबाइल से नहीं पढ़ सकती क्योंकि इनका फर्स्ट स्टेज है। अगर आपको मोबाइल का कोई क्वेश्चन है तो हम अपने हीरो को लेके आएंगे। बताओ चलो आप क्या मोबाइल पे ला रहे हो? मोबाइल से ही वो कुछ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि श्लोका की फर्स्ट स्टेज है और ये वो सारी स्टेजेस पार कर चुके हैं हमारे छोटे से हीरो। तो हम सब ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आइए एक एक करके सब सवाल पूछ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं दोनों बच्चों को। वेट इस पे बताओ टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है उससे पहले हम जरा टाइम इधर दिखा दें कि मोबाइल पे है क्या। एक्चुअली मोबाइल पे क्या है वो आप देख लीजिए। और क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? इस पर टाइम बताओ क्या हो रहा है, टाइम क्या हुआ है ये पूछना चाह रहे हैं। ओके इतना टाइम अभी मुझे सिखाया नहीं है। टाइम आपको नहीं पता है? अच्छा कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है फिर बताओ। पूरा नोनो लिखा है। नोनो लिखा है। ओके पिंक कलर की है। पिंक कलर की है। Waking up this morning. लीजिए टाइम नहीं बताया लेकिन पढ़ के सुना दिया। बहुत खूब, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि उसमें हर जगह टाइम नहीं देखना है, नोनो लिखा हुआ है। हां नोनो हर जगह लिखा है और कहां कौन सा डिजिट होता है याद नहीं आ रहा। यही ट्रिक थी। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और मेरे पीछे जो बच्चे खड़े हैं ना उनकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ओके लेट्स फिनिश विद दिस क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन सीखेंगे भी ब्रेक के बाद कैसे सीख सकते हैं। ये क्लैप वंडर किड्स के लिए है। हमारे साथ दो कमाल के बच्चे हैं यहाँ पर, सम्यक जो यहाँ हमारे साथ बैठे और श्लोका भी जो हमारे साथ हैं और सारे बच्चे उनसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। आखिरी 5 मिनट इस प्रोग्राम के बचे हैं। सबसे पहले श्लोका आपसे जानना चाहते हैं, सब लोग ये ब्रेक में पूछ रहे थे कि आपने ये ट्रेनिंग कैसे ली और उसका क्रेडिट आपको इसको देते हैं इसको सिखाने के लिए। मैं ये क्रेडिट मेरे
स्कूल को देना चाहती हूँ जिसका नाम है HV स्वामीनारायण विद्यालय एकेडमी सूरत। और मैं सबसे ज्यादा, आपको स्कूल में ही सिखाया या किसी और ने सिखाया, किसने सिखाया? नहीं, मेरी स्कूल ने ही सिखाया है, इसलिए मैं उनका सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे ऑल टीचर्स को और दिनेश सर को, वो ट्रस्टी है वो। और पापा मम्मी को भी। सम्यक, आप को आपने ये सीखा कैसे, किसने सिखाया आपको? इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल जिसका नाम है सरदार पटेल विद्यालय उसको देना चाहूँगा, और दूसरा क्रेडिट जीनियस माइंड एकेडमी को और उनके टीचर्स मेरे युगेंद्र सर। अच्छा, और पापा मम्मी भी हेल्प करते हैं ये सब प्रैक्टिस में? हाँ। कैसे वो आपको क्या सिखाते हैं, क्या क्या बातें जिससे आपको हेल्प मिलती है अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने में? उनको भी कैसे क्या क्या हेल्प करते हैं वो? जैसे मान लीजिए मेरी मेरे कोई बच्चे हैं, इनके कोई बच्चे हैं, जो हमारे लोग देख रहे हैं उनके कोई बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि आपकी तरह वो ये क्वालिटीज डेवलप कर पाए? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को ये जीनियस माइंड एकेडमी ज्वाइन कराए, उससे उनके बच्चे सीख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी एकेडमीज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। पर मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी? करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा श्लोका, मम्मी ने कितने बादाम खिलाए आपको? क्योंकि कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग बड़ा तेज होता है, खिलाती मम्मी बादाम? हाँ, कोई कोई बार खिलाती है और कोई बार वो खिलाती है तो मैं नहीं खाती। क्यों? ऐसे ही। और आपको? मैं तो कभी कभी खा लेती हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने क्लास में अपने दोस्तों को जाके ये सिखाने की कोशिश की या फिर आपके फ्रेंड्स ने बोला कि हमें भी सिखा दो प्लीज? सिखा नहीं सकते, वो कुछ साउंड वेव्स देते हैं। और बच्चे बोलते हैं कि हमें भी ले जाओ अपने साथ, हम भी सीखना चाहते हैं? कभी नहीं कहा किसी ने। अच्छा, बच्चों में कौन कौन सवाल पूछना चाहता है, आप पूछना चाहते हो? मेरा सवाल श्लोका से है। श्लोका, जैसे कि आप कहते हो कि कलर्स की स्मेल होती है, आपको किस टाइप की स्मेल आती है कलर्स से? संतरे की, एप्पल की, किसकी आती है? तो अलग अलग टाइप की स्मेल आती है, ब्लैक की अलग आती है, ऑरेंज की अलग आती है, वैसे अलग अलग टाइप की स्मेल आती है। क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता? आपने बोला कि आप कलर्स सूंघ सकते हो और बोल सकते हो, पर जब प्रीतिका सूंघ रही थी तब उसने बोला कि उसको कोई स्मेल नहीं आया, क्योंकि जब वो सॉन्ग सुनाते हैं तब हमको वैसा पता चलता है, और जब वो सर या सर ने हमको सिखाया है तो तब वो सर ने हमको बोला था कि ज्यादा माइंड को ध्यान करके ऐसे सब करो, इसलिए हमने वो किया। अच्छा ठीक है, एक बार बताओ उस कैमरे में देख के बताओ, IBN 7 के जरिए कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, बोलना चाहती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं गुजराती में बोलना चाहती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहती हूँ। आप उधर देख के बोलिए। मुझे ये बोलना है कि मैंने जैसा किया है वैसे पूरे इंडिया के सारे बच्चे कर सके, इसलिए मैं, मुझे एक मिनट भी दोगे तो मैं उनको मिलूंगी, मुझे उनको मिलना है। अच्छा। आप उनसे मिलना चाहती हैं? सब क्या, आप क्या बोलना चाहते हो? मिलना तो मैं अभी उनसे चाहता हूँ, पर हाँ, किससे मिलना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी से। कौन है वो? हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? 15 साल की? 60 ईयर्स के आसपास। अच्छा, क्या बोलना चाहते हो? कि वो हमारे देश के बच्चों के लिए ऐसा कुछ करे कि जो बच्चे ये नहीं ज्वाइन कर पाते उन्हें वो ज्वाइन कराने के लिए कुछ हेल्प करे, और वो बहुत अच्छा बोलते हैं तो मैं उनसे मिलना चाहते लास्ट बार एक दोनों बच्चों के लिए क्लैप हो जाए, और सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर है, सब बच्चों के लिए। और जाते जाते अब क्योंकि वंडर किड्स का कमाल तो हमने आपको दिखा दिया, ऐसे हमारा तो ये मानना है कि सभी वंडर किड्स हैं, तो जाते जाते हम आपको एक सुरीले गाने के साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमें सुनाएगी, सुनाइए। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे,
यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। ड्राइविंग सेवन की इस खास पेशकश में फिलहाल